श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हैजार्डस सब्सटेंस को एमिट कर रही थी एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में जिसका नाम था कीर्ति नगर। हेलो एवरीवन, मैं हूं शबाना सैफी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर फ्यूचर अपडेट्स। साथ ही केसेस के नोट्स के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट legalbites.in को विजिट कीजिए, वहां अनगिनत केसेस डिटेल में अवेलेबल हैं। एमसी मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1987, ये केस ओलियम गैस लीकेज केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक प्राइवेटली ओन्ड फर्टिलाइजर प्लांट श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हैजार्डस सब्सटेंस को एमिट कर रही थी एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में जिसका नाम था कीर्ति नगर, जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। लगभग 2 लाख लोगों की जान को इससे खतरा हो सकता था जो कि इस फर्टिलाइजर प्लांट के आसपास रहते थे। पब्लिक इंटरेस्ट अटॉर्नी एमसी मेहता ने एक रिट पिटीशन फाइल की जिसमें फर्टिलाइजर प्लांट को क्लोज करने और रिलोकेट करने की डिमांड की। द केस रेज्ड लीगल क्वेश्चन ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 32 एंड वेदर आर्टिकल 21 अप्लाइज टू प्राइवेट कॉर्पोरेशन इन इंडस्ट्रीज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। इस केस में कोर्ट ने दिल्ली के मजिस्ट्रेट को इंडस्ट्रीज को बंद करवाने के ऑर्डर दिए जो लीथल सब्सटेंस को मैन्युफैक्चर कर रही थी। ये केस हाईलाइट करता है नेसेसिटी ऑफ बैलेंसिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट विद पब्लिक सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स, एम्फसाइजिंग द क्रूशियल रोल ऑफ लाइबिलिटी स्टैंडर्ड्स इन हैजार्डस एक्टिविटीज। तो आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको इन केसेस के बारे में और डिटेल में जानना है तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट legalbites.in को विजिट करना मत भूलिएगा, वहाँ सभी केसेस डिटेल में एक्सप्लेन है। साथ ही डेली अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कीजिए। If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.